हैदराबाद तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हीरा समूह के प्रबंधक निदेशक नायरा शेख को सर्तक जमानत दी, जो देश भर में लगभग 2 लाख निवेशकों को धोखा देने के आरोप का सामना कर रही हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूअर्स साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पास जो भी न्यूज़ आती है हम आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, ऐसी न्यूज़ हमारे पास फिर आई है। इसमें कहा गया है कि हैदराबाद तेलंगाना उच्च न्यायालय ने नायरा शेख को जमानत दे दी है, जो देश भर के 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप उनके सामने है। जहां दोस्तों उच्च रिटर्न का दावा करके उनको कुछ 1000 करोड़ रुपए के लिए धोखा दिया गया है। मामले की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री देवी ने उन्हें 5 करोड़ रुपये जमानत के रूप में जमानत जमा करने का आदेश दिया है और अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकती, कुछ ऐसा उनके साथ कहा गया है। दूसरी ओर से अदालत ने तेलंगाना पुलिस को जांच में नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO को स्थानांतरित कर दिया है। तेलंगाना में दर्ज किए गए 10 मामलों सहित उनके खिलाफ सभी कथित मामलों में जाँच SFIO द्वारा की जा रही है। इससे पहले नोएरा को पहली बार तेलंगाना पुलिस ने नई दिल्ली में पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच के दौरान उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया गया था। उनके खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन और आपराधिक धमकी और वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम 1999 में तेलंगाना डिपॉजिट और द प्राइस चिट मनी सेकुलर स्कीम प्रतिबंध अधिनियम 1978 के तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे। देश में इनके ऊपर बहुत मामले दर्ज हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह की न्यूज़ हमारे पास आपके लिए आई है और यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ यह है कि नायरा शेख को ज़मानत दे दी गई है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं।